सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित प्रसाद है और मैं गया के ही रहने वाला हूँ। इस मार्केट को कैसे जाना आपने, शेयर मार्केट को? शेयर मार्केट ही क्यों, अभी तो आपको बिहार के लोगों को और गया वालों को लगता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, उनको लगता है कि हम पढ़ करके एक जॉब करें, और आप शेयर मार्केट में ऐसा क्यों? बचपन से ही सिर्फ बिजनेस में मन था, तो बस इसलिए मेरी कॉलेज की पढ़ाई में भी एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा था, और जब वो एंटरप्रेन्योरशिप चलता था पढ़ाई, तो मेरे माइंड में वो MP4 की तरह घूमता था कि ये कंपनी मेरी है, इस कंपनी का ओनर मैं हूँ और यहाँ पे इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और ऐसे ही सोचते सोचते फिर धीरे धीरे एक छोटा सा स्टार्टअप किया, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं और कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने एक मूवी देखी स्कैम 1992, तो वो मूवी सिखाई थी मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे भाग रहा था कि स्कैम करूँगा मैं, वो मूवी से मुझे सीख मिली थी कि मैं भी स्टॉक मार्केट कर सकता हूँ। फिर आपसे मिला, तो उनसे कैसे, हमारे बारे में कैसे जाने? आपके बारे में मेरे दोस्त ने बताया कि आपकी वीडियो दिखाई, तो मैंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कुछ बड़ा करने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ, तो बस आपके बारे में बताया, मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, तो बस। अब ट्रेनिंग किए हैं, अब क्या लगता है आपको कि हमारा जो गोल है उसको कर पाएंगे अचीव, हमारा जो लाइफ का जो हमने बचपन से तो सोचा था, हम जो है कॉलेज के जो ऐसा हुआ हमारे साथ, हम मूवी देखने के बाद हमें ऐसा लगा, तो अब क्या लगता है कि अब उसको हम कर पाएंगे, अब वो जो हमारी जो थी उम्मीद थी वो उसको पूरी हुई है, ऐसा लगता है, क्या लगता है बताइए? उम्मीद तो पूरी पूरी लगती है कि मैं इस पर पूरा पूरा अपना किया, मतलब खरा उतर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने ट्रेनिंग दिया है शायद इतनी कम फीस में इतना बारीकी से कोई भी मुझे नहीं सिखा सकता। गया में ही एक और है, तो मैं वहाँ गया था पूछने के लिए, तो उनकी फीस काफ़ी महंगी थी और मैं उतना नहीं दे पाता था, तो मैंने कहा कि मैं फिर कभी फीस जमा कर लूँगा तो आऊँगा। फिर उसी दौरान आपके बारे में पता चला, फिर आपकी फीस भी पता चली, और आपने जो सपोर्ट दिया फेस में उसके लिए भी आपको थैंक यू सो मच, और अभी तो शुरुआत है सर, धीरे धीरे मैं करूँगा, आपका सपोर्ट रहा तो और भी आगे तक बढ़ूँगा सर। ये नए जनरेशन वाले को क्या करना चाहिए, बहुत लोग डरते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयड है लोग, उन लोग को क्या करना चाहिए? अनएम्प्लॉयड वो अपनी गलत फहमी से है, क्योंकि नौकरी मांगने से नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी देने वाला भी होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी नौकरी मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है, वैकेंसियाँ बहुत कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप बनकर एक नया स्टार्टअप करना चाहिए ताकि हम लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर सके। तो गए वाले के लिए बस इतना ही कहूँगा कि वो भी थोड़ा सोचे समझे और एक बार ट्राई करके देखें, अगर एक बार उन्हें सीखने को मिल गया ये अच्छे तरह से, अगर वो सीख जाएंगे तो हमारे गया को, हमारे बिहार को वो एक नई मोड़ दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है सर। ये अनएम्प्लॉयड जो है वो पूरी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन आप इसको, बहुत लोग हैं जो डरते हैं इस मार्केट से, चाहते हैं कि ये जुआ है, लोग इसको सिर्फ करते हैं तो लॉस ही होता है, ये डर, ये एक्चुअल में ये जुआ है नहीं, जुआ उनके माइंड में है कि भाई ये गैम्बलिंग है, हम खेलेंगे, सट्टा है, ऐसा है, रियल बात तो ये है कि ये पूरा जो गेम है ये माइंड का गेम है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, ये पूरी तरह माइंड का खेल है, अगर हम अच्छे तरह से प्ले करेंगे तो हम अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं इसमें। देखिए मैटर ये करता है कि आप कोई भी काम को करिए, शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए, किसी भी काम को करते हैं, अगर उसका प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी काम में फेल हो सकते हैं, वो काम कोई भी काम हो सकता है, एक सिस्टम से नहीं करेंगे, उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर उसी काम को कैसे आकर मार्केट चलता है, कैसे प्रॉफिट करना है, कैसे हम अपना लॉस को बचाना है, वो सारे अगर नॉलेज हो जाए तो आप भी इस किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते हैं, और अभी बच्चा भी जो छोटा सा होता है उसे भी ABCD सीखने में टाइम लगता है, तो अभी हमारा तो ये स्टार्टिंग है, अभी मैंने पेन पेंसिल पकड़े ही हैं, कॉपी, अभी तो सिर्फ ABCD सीखनी बाकी है। और हम
हमारा सपोर्ट रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, सपोर्ट रहेगा और आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। नए हैं इस मार्केट में, थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई, हर चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप देखो हम हर बार सपोर्ट करेंगे। एक तो मेरा सपोर्ट रहेगा तो सेशन से मिलेगा, और आपको जब भी चाहे तब भी आप ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन द्वारा क्लासेस ज्वाइन करना चाहे, इसके लिए फी आपको पे नहीं करना है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी आपको सुविधा है आप इसको द्वारा करेंगे। देखिए एक बार दो बार तीन बार इसको अगर किसी चीज़ को करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ आ जाएगा। और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए भी आपको लग रहा होगा कि आप नए थे इस मार्केट में, कभी इसके बारे में जाना नहीं था कि क्या है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।